गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, जेपीसी डूंगरपुर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे CS 310, PHP एंड MySQL, और इसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है लूप्स के बारे में। ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से समझेंगे हम। PHP के अंदर लूप्स होते हैं, वो चार टाइप के होते हैं, वाइल, डू वाइल, फॉर एंड फॉर ईच। हम सबसे पहले देखेंगे वाइल लूप। वाइल लूप का सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह से होता है, वाइल और फिर ब्रैकेट के अंदर यहाँ कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, ये इसकी बॉडी होती है कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट्स हमें एग्जीक्यूट करवाने हैं वो कोड हम लिखते हैं। अब प्रोग्राम के अंदर कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। PHP की कोडिंग है हम करते हैं HTML फाइल के अंदर, तो ये HTML का कोड है, और फिर बॉडी के अंदर हम PHP का लिखेंगे, और ये स्टार्टिंग है PHP की, LQ PHP। ये ऑब्जेक्टिक्यूशन भी बन सकता है, और पूछा भी गया है पहले एग्जाम्स में कि HTML फाइल के अंदर PHP का कोड कैसे लिखते हैं, तो ये तरीका है LQ PHP। ये स्टार्टिंग टैग है, जहाँ ख़त्म होगी PHP की बॉडी वहाँ पर ये आएगा ग्रेटर देन सिंबल। अब वाइल लूप है, वाइल लूप के अंदर हमने पहले एक वेरिएबल बनाया है काउंटर, ये एक वेरिएबल बनाया $counter=1। अगेन एक ऑब्जेक्टिवेशन बन सकता है PHP के अंदर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो PHP के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर करने का तरीका होता है डॉलर और वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर $counter नाम का एक वेरिएबल बन गया, वाइल लूप, वाइल के अंदर $counter<10=10। अब $counter की वैल्यू कितनी है, 1, <10=10। तो एक है वो छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू है तो $counter प्रिंट कर देंगे, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में $counter में $counter+10 कर दिए, तो 1+10, तो ये हो जाएगा 11। तो अभी $counter की वैल्यू कितनी हो गई, 11, तो यहाँ से 11 होके वापस यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, 11 <10=10। तो 11 न तो छोटा है न बराबर है 10 से, तो कंडीशन हो गई फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये लूप से सीधा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वाइल लूप काम करता है। वाइल लूप के बाद में हम पढ़ते हैं डू वाइल। और वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है, वाइल और डू वाइल को हम एक साथ देखेंगे क्या डिफरेंस है। एग्जाम में स्पेशली ये क्वेश्चन भी पूछा सकता है वाइल डू वाइल में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस इतना सा है कि वाइल लूप में क्या करते हैं, कंडीशन पहले चेक करते हैं और इसकी वाइल लूप की बॉडी है वो बाद में आती है। जबकि डू वाइल में हम क्या करते हैं, डू वाइल के अंदर बॉडी है वो लूप की पहले आती है और कंडीशन बाद में चेक होती है। इसका मतलब अगर कंडीशन फॉल्स भी हो गई तो एक बार तो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो ही जाएगी डू वाइल के अंदर, लेकिन वाइल में ऐसा नहीं होगा, वाइल के अंदर हम पहले कंडीशन चेक करेंगे। तो जैसे कि ये देखते हैं हम एग्जांपल, $i=10, वाइल $i>1। तो $i की वैल्यू कितनी है, 0। 0 क्या बड़ा है 1 से, नहीं गलत है, तो ये लूप से बाहर निकल जाएगा, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। आउटपुट हम देखेंगे, आउटपुट के अंदर कुछ भी नहीं आया, खाली है एकदम, ठीक है। तो इस तरह से वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है फिर बॉडी एग्जीक्यूट होती है। अब इधर हम देखते हैं डू वाइल में, डू वाइल के अंदर भी $i की वैल्यू कितनी है, 0। यहाँ पर हमने बॉडी एग्जीक्यूट कराई, ओके, तो ओके आउटपुट आ गया, उसके बाद में कंडीशन चेक हो रही है, 0 क्या बड़ा है 1 से, नहीं है गलत है, तो लूप से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन एक बार तो ओके एग्जीक्यूट हो ही गया, तो इसके अंदर आउटपुट है वो ओके आ जाएगा। तो ये वाइल और डू वाइल में डिफरेंस है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप के अंदर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, कंडीशन चेक करना और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना, ये तीनों स्टेटमेंट्स एक जगह ही आ जाते हैं। $i एक वेरिएबल बना दिया, वैल्यू 1 है, 1 है वो <10=10, सही है कंडीशन, 1 है वो छोटा होता है 10 से, तो ये बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, आउटपुट आ जाएगा 1। फिर
यहाँ से वापस ऊपर आएंगे, वापस कंडीशन चेक करेंगे इंक्रीमेंट होने के बाद में, आई की वैल्यू अब कितनी हो गई 2। तो 2 है, 2 छोटा है, 2 भी छोटा है, तो 2 वापस प्रिंट कर देंगे, फिर 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, इस तरह से ये चलता जाएगा। तो एक से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाएंगे। अब 10 के बाद में वापस इंक्रीमेंट होके यहाँ पर वैल्यू जाएगी 11। 11 न तो छोटा है 10 से और न ही बराबर है, इसलिए कंडीशन फॉल्स। तो ये लूप से हम बाहर निकल जाएंगे। इस तरह से फॉर लूप काम करता है। अब आता है फॉर ईच लूप। स्टूडेंट्स, फॉर लूप है वो काम करता है इंडेक्स एरे के लिए। एरे के 3 टाइप होते हैं पीएचपी में, इंडेक्स्ड एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे और एसोसिएटिव एरे। अब फॉर लूप है वो इंडेक्स्ड एरे के लिए काम करता है, तो एसोसिएटिव एरे भी होता है इसमें, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एसोसिएटिव एरे, एसोसिएटिव एरे के अंदर फॉर लूप काम नहीं करेगा, क्योंकि फॉर लूप है उसमें काउंटर 1 2 3 4 5 ऐसे चलता है, और इंडेक्स्ड एरे होता है उसमें 0 1 2 3 ऐसे इंडेक्सिंग होती है। लेकिन फॉर एसोसिएटिव एरे होता है उसके अंदर इंडेक्सिंग 1 0 1 2 3 नहीं होता है। एसोसिएटिव एरे के अंदर इंडेक्सिंग होते हैं वो नाम होते हैं, राम श्याम गीता सीता, इस तरह से स्ट्रिंग्स होती है, इसलिए फॉर लूप काम नहीं करेगा। यहाँ पर हमें चाहिए फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप का सिंटेक्स कैसे होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं, फॉर ईच डॉलर एक्स एज डॉलर की, और ये इक्वल टू और ग्रेटर देन का सिंबल से एक एरो साइन बनाएंगे, डॉलर वैल्यू। यहाँ पर डॉलर क्या है, राम, डॉलर की क्या है, राम श्याम सीता गीता, और डॉलर वैल्यू क्या है, उनकी एज है। तो यहाँ इको प्रिंट कराएंगे, डॉलर की एज डॉलर वैल्यू। तो ये तो वेरिएबल्स हैं, ऐसे कैसे प्रिंट हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा राम श्याम सीता गीता, और इधर डॉलर वैल्यू उनकी एज आ जाएगी। तो ये प्रिंट आउट अपना इस तरह से इसका आउटपुट आ जाएगा। ये होता है फॉर ईच लूप। नेक्स्ट वीडियो में हम एरे के बारे में पढ़ेंगे। एरे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, थैंक यू।